वेलकम टू न्यूज़ क्लिक आज हमारे साथ हैं जनाब अली काजमी जो नापा नेशनल अकेडमी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स कराची पाकिस्तान के फैकल्टी मेम्बर हैं साथ ही वो नापा के डेपटरी कंपनी के एक्टर और डायरेक्टर हैं आपका न्यूज़ क्लिक में स्वागत है आप दिल्ली में हैं आप बताना चाहेंगे आप दिल्ली में किस उद्देश्य से हैं जो मंटो रामा है जो कि मैं दिल्ली में परफॉर्म करना था वो तो सदत हसन मंटो जो अफसाना निगार और प्ले हैं उनके बारे में था उनके ज़िंदगी के बारे में उनके कुछ अफसानों के हिस्से हमने उसमें शामिल किए थे उस प्ले में और उनकी ज़िंदगी जिस तरह गुजरी उन्होंने कोर्ट में मुकदमा जो उन पर चला वो फेस किया और जो उनके ज़िंदगी के हालात रहे उसके बारे में वो प्ले था जिसमें कुछ म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेस भी थी गालिब की गज़लें भी उसमें थीं तो इस तरह से वो एक प्ले बनाया था कोलकाता में जो हमने किया परफॉर्म वो उसका समझने एक शॉर्टन वर्जन था जिसमें कुछ म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेस थी और गालिब और मंटो के दरमियान गुफ्तु उसमें दिखाई गई तो वो परफॉर्म करने के लिए हम वहाँ पर आए थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली शो कैंसिल हो गया दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि थ्रेट्स हैं यकीनन तो इस वजह से ये शो कैंसिल करना पड़ा जिसका हमें भी अफसोस है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है एनएसडी की उन्हें भी बेहद अफसोस है कि ये वाक़ पेश आया आपने प्ले ना करने के अल्टरनेटिव्स भी सजेस्ट किए थे एन को वो यही था कि हम जो उनका फूड हब है तो हमने कहा कि हम इसमें कुछ गज़लें गा लें कुछ परफॉर्मेंसेस कर लें लेकिन फिर अगेन वही इशू था सिक्योरिटी का तो वो तो क्लोज डोर परफॉर्मेंस थी थिएटर की तो ये तो ओपन में था तो उन्होंने कहा कि नहीं हम ये रिस्क नहीं ले सकते जो कि एक तरह से सही भी था तो इस पर कुछ नहीं किया जा सकता था तो कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं मिल सका और ना हम अपनी परफॉर्मेंस कर सके दो देशों के बीच में जो पॉलिटिकल टेंशन है पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो कल्चर को अफ़ेक्ट कर रही हैं दोनों देशों में आर्ट स्पोर्ट्स को भी अफेक्ट कर रही हैं इस पर आपकी इंडिपेंडेंट uh, सोच क्या है इन हालात में आर्टिस्ट ही हैं और आर्ट ही है जो कि दोनों ममालिक करीब ला सकती है तो इस पर कोई रोक ना लगाई जाए बल्कि इन्हें आज़ादी और देनी चाहिए और मैं तो कहता हूँ दुनिया में कहीं पर भी अगर पीस कायम करना है तो आर्ट एंड कल्चर के ज़रिए ही कायम किया जा सकता है और तो मेरी ज़ाती राय तो यह है कि आर्टिस्ट को वीज़े की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए दुनिया में कहीं पर भी क्योंकि आर्टिस्ट ही वो है जो लोगों को करीब लेकर आ सकता है तो बिल्कुल बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह के ये हालात हुए इस तरह के हालात भी नहीं होने चाहिए दोनों तरफ एक ही तरह के लोग हैं वही ज़बान बोलते हैं आप उसको हिंदी कहते हैं हम उसको उर्दू कहते हैं हम आपकी ज़बान समझ लेते हैं आप हमारी ज़बान समझ लेते हैं और आर्ट के ज़रिए देखें आर्ट को नहीं रोका जा सकता चाहे आप कुछ कर लें पाकिस्तान में आतिफ असलम या अली ज़फ़र अगर गाने गा रहे हैं आपदा परवीन वहाँ पर गाने गा रही हैं तो उसकी आवाज़ हिंदुस्तान में सुनी जा रही है यहाँ पे अगर रफ़ी मुकेश गाने गा रहे हैं तो उसकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है इसी तरह अमिताभ शाहरुख ख़ान आमिर ख़ान इनकी फ़िल्में आप पाकिस्तान में नहीं रोक सकते जब आपका प्ले कैंसिल हुआ तो वहाँ एन एस टी की एडमिनिस्ट्रेशन जो है और एन एस टी का जो स्टूडेंट्स है उनका रिएक्शन क्या था नहीं वहाँ पर तो हमने ये देखा कि वो भी बहुत अफसरदा थे यहाँ हम अफसरदा थे कि हम परफॉर्म कर नहीं सके वहाँ वो अफसुदा थे कि वो परफॉर्मेंस देख नहीं सके तो हम सभी एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे वो भी अफसुदा थे हम भी अफसुदा थे फिर हमने आ, ये सोचा कि हम उन्होंने बल्कि हमें इनवाइट किया कि आएँ आप हमारे हॉस्टल में आए तो हम वहाँ पे गए वहाँ पे हमने गाने गाए डांस किया कि चले वहाँ परफॉर्म नहीं कर सके लेकिन अपने सारे दिल की जो भड़ास थी हमने वहाँ पे निकाली तो उन्होंने हमारे साथ मिलके गाने गाए हमने उनके साथ मिलके गाने गाए और बहुत इन्जॉय किया वहाँ पर और जब हम आए थे तो हम किसी को नहीं जानते थे अब कोई पचास लोग हैं जो कि हमारे दोस्त बन चुके हैं इसे इस बार जैसे दिल्ली में हुआ और हिंदुस्तान में हुआ इंडियन थिएटर ग्रुप्स भी पाकिस्तान आते हैं इंडियन आर्टिस्ट भी पाकिस्तान आते हैं और आप भी वहाँ जो परफॉर्म करते हैं इन दोनों मामलों में पाकिस्तान गवर्नमेंट के थ्रू क्या सेंसरशिप आप फेस करते हैं वहाँ की सेंसरशिप के प्रॉब्लम्स क्या है लेकिन सेंसरशिप तो वही है जो यहाँ पर है कोई उसमें मुख्तलफ़ नहीं है वही जो अंग्रेज़ क़ानून बना के गया था हम दोनों ही देश को फॉलो कर रहे हैं वही इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से आपको वो अपना स्क्रिप्ट अप्रूव कराना पड़ता है वहाँ से इजाज़त ले लेनी पड़ती हैं एक्साइज डिपार्टमेंट है वो जो यहाँ पर है मैंने जो मुझे मालूम हुआ वही दिक्कतें वहाँ पर भी हैं तो वो कोई ऐसा फ़र्क नहीं है लेकिन हम लड़ते हैं वहाँ पर भी और कोशिश करते हैं कि हम अपने खुल के अपनी आवाज़ पहुँचा सकें आवाम तक और इजहार कर सकें आपने लड़ने की बात की तो थिएटर ऑफ एक्टिविज़म और पीपल्स थिएटर पाकिस्तान में किस हद तक जारी है और पीपल्स थिएटर कब कहाँ कहाँ होता है और कराची में मोस्ट स्पेसिफिकली क्योंकि आप वहाँ काम करते हैं वहाँ पे कुछ ग्रुप्स हैं जो कि ये करते हैं अजोका उसमें से एक है और शीमा किरमानी साहिबा हैं तहरिक नस्वं वो चला रही हैं तहरीक चला रही हैं ख़वातीन के लिए तो वो लोग ये करते हैं हमने कोशिश की हमने कुछ किया एमरजेंसी का जब दौर था तो हमने कुछ प्लेस जाके यू, यूनिवर्सिटीज़ में किए तो वो चल रहा है साथ साथ वो भी लेकिन वो अभी इतना ज़्यादा नहीं है उसको मज़ीद फ़रो देने की ज़रूरत है पाकिस्तान के आवाम का क्या रिएक्शन है इन चीज़ों को ले कि, वो कितने जागरूक हैं और वो कितना पसंद करते हैं ऐसे थिएटर को अब वहाँ पर बनना शुरू हो रही है ऑडियंस तो अभी वक्त लगेगा क्योंकि हमें थिएटर करते हुए कोई आठ सालों है अभी हमारा जो इदारा है वो आठ साल का बच्चा है तो जिस जिस तरह टाइम गुजरेगा लेकिन अब एक थिएटर की ऑडियंस बन गई है कराची में जब हमने थिएटर शुरू किया था तो वहाँ पे साल में कोई एक या दो थिएटर हो जाते थे लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जब हमने 2013 की बुकिंग के लिए वहाँ पे कराची आर्ट्स काउंसिल में बात की तो उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई दिन अवेलेबल नहीं है 2013 में थिएटर के लिए तो हॉल बुक हैं मुसलसल थिएटर हो रहा है और लोग उसको पसंद कर रहे हैं ये जो कॉन्सेप्ट है पीपल्स थिएटर का कि लोग थिएटर देखने आए इससे इससे बेहतर है कि लोगों तक थिएटर पहुंचाया जाए कि जिन लोगों को मद्देनज़र रख के प्लेस लिखे जा रहे हैं प्लेस लिखे गए थे और अगर वहीं तक आर्ट और थिएटर ना पहुँचे तो ये उसकी बहुत बड़ी कमज़ोरी होगी बिल्कुल क्योंकि थिएटर जो है वो आम आदमी के लिए ही होता है एलिड क्लास तो अफोर्ड कर लेती है कि थिएटर का टिकट भी कुछ महंगा होता है Uh, शुरू में हमने हज़ार रुपये रखा था फिर हमें लगा कि नहीं है कुछ ज़्यादा है तो उसको कुछ कम किया तो बिल्कुल आम आदमी अफोर्ड अगर नहीं कर सकता तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इससे महरूम रह जाए क्योंकि असल में थिएटर है ही उसके लिए तो बिल्कुल उसको हम हमारी कोशिश ये होती है कि वहाँ तक जाएँ हमने कुछ प्लेस किए यूनिवर्सिटीज़ में जाकर हमने किए और अब इर, आ, इरादा ये है कि स्ट्रीट थिएटर हम लोग शुरू करें ताकि नुक्कड़ थिएटर जो आपके यहाँ कहलाता है बिल्कुल नुक्कड़ नाटक तो वो अब इरादा है कि वो शुरू करें ताकि अवाम तक वो पहुँचे नापा जो है नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कराची में जो है uh, वो इंडियन स्टूडेंट्स और फॉरेन स्टूडेंट्स जो है आउटसाइड uh, पाकिस्तान जो रहते हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में आके उर्दू थिएटर प्रैक्टिस करें और उसके बारे में ज़्यादा जानें उसकी सीख लें इन स्टूडेंट्स uh, uh, के लिए कितना ओपन है और कितना इंटरेस्टेड है इन लोगों को एनरोल करने में हमारी तरफ से तो कोई रोक नहीं है जितने स्टूडेंट्स आना चाहें आए दुनिया भर से आए ख़ास तौर पर इंडिया से आए क्योंकि दोनों की ज़बान एक है और चूँकि हम करते भी हैं इंडियन थिएटर के मतलब इंडियन जो प्ले राइट्स हैं उनके प्लेज हम अपने इदारे में करते ही हैं तो स्टूडेंट्स पे भी कोई रोक नहीं है इंडियन आर्टिस्ट भी वहाँ आते हैं कौन कौन वहाँ आए हैं वर्कशॉप्स देने आपके एकेडमी में इंडिया से नसीरुद्दीन शाह साहब आए थे उन्होंने हमारे साथ थिएटर की वर्कशॉप की और फारूक शेख साहब वहाँ पर आए उन्होंने वर्कशॉप की काजमी जी आप यहाँ आए और आपने हमें बहुत कुछ बताया नापा के बारे में और पाकिस्तानी थिएटर सीन के बारे में शुक्रिया आपको भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें मौका दिया कि हम यहाँ आए और उम्मीद मैं ये करता हूँ कि हम दोबारा ज़रूर आएंगे परफॉर्म भी करेंगे और आप लोगों के साथ मिल के मज़ीद कुछ काम करेंगे